गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका मिशन शिक्षण संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। आइए बच्चों, हम सब मिलकर प्राथमिक स्तर पर चट्टानें एवं खनिज के बारे में समझेंगे। इसके लिए शीट नंबर 39 को देखेंगे। इस शीट में आप चट्टान के प्रकार, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानों के बारे में समझ पाएंगे। आइए बच्चों, इसको समझने के लिए, इसके प्रकार को समझने के लिए एक वीडियो देखें। सभी प्यारे बच्चों का मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चट्टान के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। बच्चों, हमने जाना था कि चट्टान जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। आज आइए एक एक के बारे में समझते हैं। बच्चों, आग्नेय चट्टाने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है बच्चों, बहुत गर्म होता है, तो वो मैग्मा क्या होता है, धीरे 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 फैलता है और फैलने के बाद धीरे 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 ठंडा होता है। तो जो ठंडा होता है उसको हम लोग कहते हैं लावा, और उसी पर धीरे धीरे क्या होती है, मिट्टी की परतें बढ़ती जाती हैं और वो चट्टान बन जाता है। उसी चट्टान को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, और इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं और मूल चट्टान भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी उसके बाद माना जाता है कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान ही बनी थी, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। बच्चों, इसके उदाहरण में ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ग्रैबो है, और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आइए दूसरे चट्टान को देखते हैं, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने जो होती है बच्चों, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से ही बनती है, इसे हम लोग तलछटी चट्टान भी कहते हैं। तलछटी इसलिए कहते हैं बच्चों कि जो आग्नेय चट्टान होती है इसके तल जो होते हैं उस जो थोड़ा छटक के बाहर आती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसी से ये अवसादी चट्टाने बनती है, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री चट्टान भी कहते हैं। और ये लैटिन भाषा के सेंडिमेंटन नाम से बनी हुई होती है, जिसका अर्थ होता है बसना। बच्चों, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है जैसे बलुआ पत्थर, चूना, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, सीमेंट, ये सब उदाहरण है अवसादी चट्टानों से। और बच्चों, अवसादी में जो महानदी, दामोदर और गोदावरी ने जो ब्रेसिनो होते हैं उनसे वहां पर बच्चों हमको कोयला भी प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा कि अवसादी चट्टानों से हमें कोयला भी प्राप्त होता है। तीसरा है रूपांतरित चट्टाने। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की जो ये आग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टान की जो मूल अवस्था होती है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, उनके मूल अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन से रूपांतरित चट्टाने बनती है, जिसका उदाहरण होता है बच्चों स्लेट, संगमरमर, ये सभी रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, जो आग्नेय चट्टान होती है इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये सबसे कठोर चट्टान होती है। तो आपने तीनों के बारे में जान लिया, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, ये तीनों चट्टान होती हैं। इनके क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू। आइए बच्चों एक बार फिर से समझे, आग्नेय चट्टाने, इन चट्टानों को प्रारंभिक चट्टाने अथवा मूल चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टाने पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करके ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ही आग्नेय चट्टाने कहते हैं। ग्रेनाइट, ग्रैबो, बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी, ब्रैक्सिया आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। आइए अवसादी चट्टाने देखते हैं, इन्हें तलछटी चट्टाने भी कहते हैं। तलछटी शब्द लैटिन भाषा के सेंडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बसना। ये चट्टाने पुरानी चट्टानों से ही बनती हैं, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये चट्टाने पुरानी चट्टानों से ही बनती हैं, ये कंकड़, रेत, मिट्टी से बनती हैं जो नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों में जमा हो जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम नामक फास्फेट तथा सीमेंट का अयस्क आदि इसके उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब अवसादी चट्टान के ही उदाहरण हैं। बच्चों रूपांतरित चट्टाने, कभी कभी ज़्यादा गर्मी या दबाव या दोनों के प्रभाव से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब वो अपने मूल रूप से बदल जाते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टाने रूपांतरित चट्टाने कहलाती हैं।
मतलब ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण ये प्रभाव होता है बच्चों। स्लेट, संगमरमर, सैल, क्वार्टजाइट आदि इसके उदाहरण हैं। आग्नेय सबसे कठोर चट्टानें होती हैं और सादी चट्टानों का दूसरा नाम सेडिमेंटरी रॉक्स भी होता है बच्चों। आइए बच्चों, भारत की नवीनतम चट्टान गोंडवाना चट्टान होती है, इसको याद रखिएगा। महानदी, दामोदर और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं, भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है, रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण आपको बताना होगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय बच्चों।